बचाए, मैं हिंदू की बात करूं, मुस्लिम की बात करूं, सिखों की बात करूं या बौद्धों की बात करूं, आप इतनी आराध्या इतनी ही आस्था रखते हैं, तो एक बार पांचवी मंजिल पर चढ़िएगा और अपने अपने भगवान का नाम लेकर कूद जाओ कि भगवान मुझे बचा लेना। देखती हूँ कितनी महिलाएं बचती हैं, अंधविश्वास में उलझे रहे, मंदिरों में जाकर घंटियां बजा देते रहे, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए सबसे पहला काम सरकार ने किया है कि इनकी शिक्षा छीन लो, ये अनपढ़ रहेंगे तो इनके सवाल करना बंद हो जाए। आज एक कोर्ट में बैठने वाली जज भी करवा चौथ का व्रत रख रही है, आज कोर्ट में बैठने वाली जज भी कहीं ना कहीं उन रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो कर रही है। आज भी एक जज ये मानते हैं कि एक दिन भूखा रहने से मेरे पति की लंबी उम्र हो जाएगी। पर्सनैलिटी है, उनके जितने भी बच्चे ना सारे विदेशों में पढ़ते मिलेंगे, या इंडिया में ही जो प्राइवेट स्कूल है एक से एक टॉप स्कूल है उसमें पढ़ते मिलेंगे। अगर इनको अपनी सरकारी शिक्षा पर ही मतलब इतना विश्वास है, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को भेज रहे हैं के लिए जाए। क्योंकि देखिए पैसा हर व्यक्ति कमा सकता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, एक मजदूर से लेके एक पीएचडी होल्डर भी अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो काम आज मैं समाज के लिए कर रही हूँ शायद वो एक पीएचडी होल्डर ना कर पाए। शिकायत रहती है, चाहे मैं ससुराल पक्ष की बात करूं या मायके पक्ष की बात करूं या जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं रिलेटिव्स हैं उनकी बात करूं, वो हमेशा कहते नजर आते कि आप पढ़ी लिखी हो वेल एजुकेटेड हो तो आप अपने कमाई धंधे पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। आपके रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी, बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग भी आएंगे, और बहुत सारे लोग तो वो होंगे जो आपके नज़दीकी होंगे, आपसे बात तो इस तरह से करेंगे कि जैसे आपके कितने घनिष्ठ हैं, लेकिन जब हम वहाँ से उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पीठ पीछे वही लोग हमारी आलोचना। नमो बुद्धाय, जय भीम, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी वर्तमान समय में पहचान बन चुकी हैं, और ये अपने पहचान की मोहताज नहीं हैं, जिनका नाम आप सब जरूर सुने होंगे। नीलम बोध जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम आज कुछ बातचीत करेंगे और कुछ समझना चाहेंगे। मैम, आज का जो समय है, आज के समय में देखा जा रहा है कि बुद्ध को मानने वालों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और हिंदू वर्ग को मानने वालों की संख्या तो पहले से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो महिला वर्ग है वो बुद्ध को नहीं समझ पा रही है, जिससे कि बुद्ध को मानने वालों की लोग संख्या बढ़ने में थोड़ी सी कमी आ रही है। इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, इसमें आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि महिलाएं नहीं जाग रही हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखती हूँ जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि मैं जीता जागता एक उदाहरण हूँ समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। मैं नीलम बोध हूँ, और मैं आपको बता दूँ आज तक मैंने किसी भी तरह से बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली है। जो नाम मेरे पीछे लगा है बोध, वो समाज ने लगाया, देश के लोगों ने लगाया, मेरी आइडियोलॉजी को देख के, मेरे व्यवहार को देख के हम ये नहीं कह सकते कि महिला नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आप अगर वर्तमान का सिनेरियो उठाकर देखें तो इसमें मैं जो पूरी एक तरह से कहूँ कि पुरुष से जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब समाज में किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं या विचार गोष्ठी होती है, तो वहाँ पर पुरुष बाइक गाड़ी उठाता है और अकेला चला जाता है। वो कभी भी अपनी ये भूमिका नहीं निभाता कि जिस तरह से बहुजन महान पुरुषों ने अपने साथ में, चाहे मैं माता रमा बाई की बात करूँ, सावित्री बाई फुले की बात करूँ, या फातिमा शेख की बात करूँ, या बहुजन समाज में जितनी भी महान नायिका जन्मी है उनकी बात करूँ, उदाहरण के तौर पर लीजिए, अगर ये समाज में निकल के नहीं आती तो बताइए क्या राजनीतिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में हम लोग प्रगति कर पाते। तो आज जो महिलाओं की भूमिका है बहुत जरूरी बन जाती है, लेकिन इसके लिए पुरुषों को भी कहीं ना कहीं एक भागीदारी निभानी चाहिए। जब आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हो तो अपने घर की महिलाओं को लेकर जाओ। अक्सर मैं सुनती भी हूँ और देखती हुई हूँ कि पुरुष हमेशा एक बात कहते नजर आते कि घर की महिलाएं मानती नहीं हैं। अब एक बात बताइए, जब आप शादी विवाह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये जिज्ञासा होती है कि मैं 1100 रुपये वहाँ पर दान के रूप में दे के आऊँगा, कन्यादान कहें या कुछ भी कहें या गिफ्ट के तौर पर कहें, तब आप पूरे परिवार को ले जाते हैं, चाहे आपकी बेटी हो या बहू हो या आपके जीवन संगनी हो, तब भी तो वो जा रही हैं, तब वो मना क्यों नहीं करती। लेकिन ये जिम्मेदारी हम नहीं समझते हैं और ना ही पुरुष साथी समझता है। जिस दिन पुरुष साथी ने इतना समझ लिया कि हम कहीं पर जाएंगे तो खाली हम अकेले विचार नहीं लेकर आएंगे, बल्कि ये जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि जब भी जाए अपने घर की महिलाओं को लेकर जाए, जब भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। आप एक महिला वर्ग से हैं और आप जो है कि पत्रकारिता क्षेत्र में आपने इतना जो है कि परिश्रम किया, और समाज के हर जहां प्रोग्राम होता है पूरे भारत देश में या भारत से बाहर जहां भी प्रोग्राम होता है आप जाती हैं,
आपका संघर्षमय जीवन कैसा रहा, आपने शुरुआत कैसे किया, क्या आपको किस प्रकार की कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर कठिनाई की बात करूँ तो हम जब सामाजिक क्षेत्र में उतरते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है, क्योंकि समाज में काम करना आज के समय में आसान नहीं रहा है। क्योंकि कई महान पुरुषों ने कहा है कि अगर आप समाज में काम करने निकलते हैं तो कभी भी ये मत सोचना है कि आपको सिर्फ फूलों के हार मिलेंगे, आपको वहाँ कांटे भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, लोगों की आलोचनाएँ भी मिलेंगी, लोगों की प्रताड़नाएँ भी मिलेंगी। क्योंकि जब आप समाज में काम करते हैं तो आप मुखर रूप से अपनी बात को रखते हैं, आप ये परवाह नहीं करते कि सामने वाले को मेरी बात बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी, कौन मेरी बात से प्रभावित होगा। एक सामाजिक व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर अपनी बात को मुखर रूप से रखता है और उसका उद्देश्य होता है कि समाज में जितने बड़े स्तर पर जागृति हो सके। मैं खासकर महिलाओं की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं ये देखती हूं कि जिस तरह से मैं महिलाओं को पाखंडवाद से, रूढ़िवाद से, इन परंपराओं से निकालने का प्रयास करती हूं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा महिला पक्ष जो इन परंपराओं को, इन रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं मुझे टारगेट भी करता है, पुरुष भी मुझे बहुत बड़े स्तर पर ट्रोल करते हैं। तो ये मानसिकता है कि देखिए, जब जब हम काम करेंगे तब तब हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी, लेकिन ये आपका दायित्व होना चाहिए और आपको अपने महान पुरुषों से सीख लेनी चाहिए। चाहे मैं साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करूं, या बाबा साहब की बात करूं, या ज्योतिबा फुले जी की बात करूं, या अन्य जितने भी महान पुरुष रहे हैं उनकी बात करूं, हमें उनसे सीख लेनी है। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके रास्ते में रुकावटें बहुत आएंगी, बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे, अलग अलग विचारधारा के लोग भी आएंगे, और बहुत सारे लोग तो वो होंगे जो आपके नज़दीकी होंगे, आपसे बात तो इस तरह से करेंगे कि जैसे आपके कितने घनिष्ठ हैं, लेकिन जब हम वहाँ से उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पीठ पीछे वही लोग हमारी आलोचना करने का काम करते हैं। तो संघर्ष हर जीवन में, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे, धार्मिक में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, आपके पीछे 10 आपके समर्थक होंगे तो 20 वहाँ पर आपको अस्वीकार्य करने वाले लोग भी होंगे। तो जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जो मनुष्य का जीवन है बार बार किसी को नहीं मिलता, अगर आप तृष्णाओं में रहकर इस जीवन को यापन करेंगे तो आपका जीवन लगातार आएगा और जाएगा। लेकिन मनुष्य का जीवन है उसको समाज कल्याण में लगाना, निष्पक्ष रूप से समाज के लिए काम करना, और वो जिम्मेदारी मैं बखूबी से अपनी समझ रही हूँ। और जहाँ पर भी समाज में जितने भी, चाहे किसी भी मुद्दे पर बात रखने की बात आती हूँ, मैं बड़े ही मुखर रूप से बात रखती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें घर की जो हमारे मेंबर हैं उनकी भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझसे शिकायत रहती है, चाहे मैं ससुराल पक्ष की बात करूँ, या मायके पक्ष की बात करूँ, या जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी बात करूँ, वो हमेशा कहते नजर आते कि आप पढ़ी लिखी हो, वेल एजुकेटेड हो, तो आप अपने कमाई धंधे पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। मैं आपको बता दूं, जानकर हैरानी होगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि देखिए मेरे लाइफस्टाइल से, मेरी पर्सनालिटी से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं मैं कितनी रिच हूँ और काफ़ी है, लेकिन मैं आपको वास्तविक सच्चाई बता दूं, एक व्यक्ति को जीने के लिए 3 वक्त का खाना चाहिए, एक छत चाहिए और अच्छे कपड़े चाहिए, और संसाधन के कुछ जो साधन होते हैं जहाँ से आप यहाँ से वहाँ जा सके वो चाहिए, वो सारे मेरे पास है। मेरा अपना पर्सनल मकान नहीं है, बिल्कुल बता दूं, मैं दिल्ली में रेंट के मकान पे रहती हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ। इतना मैं जुटा लेती हूँ कि जिस जो भी हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, उसके बाद जो भी पैसा है या समय है उसको मैं ज़्यादातर समाज में ही लगाती हूँ। और पिछले 15 सालों से लगातार मैं समाज में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि कोई मुझे पैसा दे रहा है या कुछ कर रहा है, और ना ही किसी इसी तरह की अपेक्षाएँ होती है, क्योंकि अगर मुझे पैसा कमाना होता, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी मैं बोल भी लेती हूँ, सारी चीज़ें हैं, वेल एजुकेटेड हूँ और हर तरह से ट्रेनिंग में पास होकर मैं निकली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी मेरा समय हो समाज के लिए जाए, बहुजन महान पुरुषों के लिए जाए, क्योंकि देखिए पैसा हर व्यक्ति कमा सकता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, एक मजदूर से लेके एक PhD होल्डर भी अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो काम आज मैं समाज के लिए कर रही हूँ शायद वो एक PhD होल्डर ना कर पाए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के ना कर पाए। तो आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिन महान पुरुषों ने हमारे लिए इतना त्याग समर्पण बलिदान किया, और आज जिनकी वजह से आज हम इतने अच्छे, मतलब घरों में भी रहते, अच्छे अच्छे यातायात के साधन यूज करते, आज हम एक साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक की यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि उन महान पुरुषों के प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और जितना बन पड़े उन महान पुरुषों के कावरावा को अगर मैं पीछे ना धकेलूं तो मेरी इतनी जिम्मेदारी है कि मैं उसको वहीं पर रोक दूं, और वहां पर भी ना रोकूं तो मेरा पल पल क्षण क्षण उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए जिसमें कि मैं लगातार प्रयासरत हूं।
एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आप देश भर में घूम रही हैं, देश भर में भ्रमण कर रही हैं, राजेंद्र पाल के ऊपर जो है कि अभी बवाल मचा हुआ है 22 प्रतिज्ञा को लेकर के, और कल 14 अक्टूबर धम्म दिवस था, और उस धम्म दिवस के दिन इस 22 प्रतिज्ञा पे बवाल होने के कारण देश के कई क्षेत्रों में जो है कि बहुत सारे लोग बुद्ध को अपनाए, बुद्धिज्म को अपनाए, और जो हिंदूवादी लोग हैं वो लगातार जल रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, ये कहाँ तक सही है? उनका मंत्री पद जो है कि छीन लिया गया। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक राजनीतिक पर्सनालिटी होती है उसका एक दायरा होता है, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी संगठन में रहे तो उस संगठन के प्रोटोकॉल से हम बाहर जाकर बात नहीं करते। और जिस तरह से मैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की बात करूं, दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया, और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों ने धम्म दीक्षा ली, और वहाँ पर जिस तरह से सन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी, क्योंकि उन्होंने भी सन 1956 में नागपुर की पावन धरती से अपने 5-6 लाख लोगों के साथ में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ ली थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर विवाद करते हैं। यहां तक कि मैं ये कहूंगी कि चाहे मैं आरएसएस की बात करूं, हिंदू विश्व परिषद की बात करूं, बजरंग दल की बात करूं, या आम आदमी पार्टी की बात करूं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की आप आइडियोलॉजी उठाकर देखेंगे, वो बिल्कुल भी महान पुरुषों का मान सम्मान नहीं करती है। आप अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा कि वो बाबा साहब की तस्वीर तो लगाते, भगत सिंह की तस्वीर तो लगाते, लेकिन आप इतिहास उठाकर देखिए आजादी के बाद में जितने भी नेता है, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, या भाजपा की बात करूं, या अन्य भी जितने राजनीतिक संगठन है, आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ फोटो या तस्वीरें या मूर्ति लगाने के अलावा किस पार्टी ने आज तक उनकी विचारधारा को पढ़ाने का काम किया, उसकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया? तो ये मापदंड भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र पाल जी उस मंत्रालय में हैं, और जिस तरह से इस्तीफे की मांग की, आप उनका इस्तीफा साफ साफ पढ़ सकते हैं कि किस भावना से लिखा गया है, किस कैसे शब्द यूज करे गए हैं, और जिस तरह से उनका जो इस्तीफा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, एक अन्य कोई व्यक्ति है, राजेंद्र पाल गौतम जी, कोई मंत्री है, तो बताइए मुझे मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देगा, क्यों देगा? ये हमें अच्छे से समझना है कि जो अरविंद केजरीवाल है किस आइडियोलॉजी का व्यक्ति है, और उसने प्रेशर बनाया है, वो समाज में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा की बात करूं, मैं यहां पर त्याग समर्पण की बात करूं, तो आप बाबा साहब का इतिहास उठाकर देखिए, जब पहले ही मुझमें सरकार में वो कानून मंत्री रहे, और जिस तरह से हिंदू कोर्ट बिल को पास होने नहीं दिया गया था, तो उन्होंने महिलाओं के हक अधिकार के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा की रही हो, उनके लिए उन्होंने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। तो इस तरह का त्याग पत्र होता है, ना कि राजेंद्र पाल गौतम जी जिन्हें जिस तरह से दिया, क्योंकि हम जानते हैं एक राजनीतिक पार्टी है, गुजरात में चुनाव, और गुजरात में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का प्रकरण चल रहा है, और आप मेन मीडिया पर भी उठाकर देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बात हो रही है यहाँ पर हिंदू वर्सेस बौद्धिस्ट की, लेकिन डिबेट क्या चल रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लोग किस दिशा में जा रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं को किस दिशा में उमड़ने का काम किया जा रहा है। तो जब तक हम सही तरीके से सही विचारधारा को, सही जो बातें हैं उनको मनोसात करके आगे प्रचारित और प्रसारित करने का काम नहीं करेंगे, और कितनी ही हम बौद्ध धम्म की दीक्षा ले लें, जब तक हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में शुद्ध रूप से धम्म नहीं आएगा, हम अपने व्यवहार को नहीं सुधारें। अब मैं नीलम बौद्ध बन जाऊँ, शाम को मैं दारू पी के सो जाऊँ, बताइए किस बात की बौद्ध? मैं नीलम बौद्ध बन जाऊँ, मैं व्यभिचार करती फिर, बताइए मैं किस बात की बौद्ध? मैं नीलम बन जाऊँ, मैं किसी की प्रॉपर्टी पे नजर डालूँ, मैं चोरी करूँ, बताइए मैं किस बात की बौद्ध? तो सबसे पहले हमारा आचरण, जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमें 5 सील दिया, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम उन बातों को फॉलो नहीं करते, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो नहीं करते, तब तक मैं कहूँगी कि आप कितने ही बौद्ध बनते रहे, बौद्ध आए बौद्ध चले गए। अगर मैं वर्तमान में अगर बात करूँ, तो देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो लोग बौद्ध बन रहे हैं 22 प्रतिज्ञा को, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं, कोई भी व्यक्ति बौद्ध बनता है तो बिना 22 प्रतिज्ञा के जो व्यक्ति बौद्ध बन रहा है, मैं उसको आधा अधूरा मानूंगी। और 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं दी है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप किसी भी संस्कृति को, किसी भी परंपरा को, किसी भी विरासत को छोड़ के आ रहे हैं, तो जब तक आप पुरानी चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, तो हम नई चीज़ों को कैसे ग्रहण करें? अब उदाहरण के तौर पर देखिए, आपने पुराने कपड़े पहने हैं, मैंने पुराने कपड़े पहने, जब तक मैं इन पुराने कपड़ों का त्याग नहीं करूँगी, तो बताइए मैं नए कपड़े कैसे पहनूंगी? अब मैं ये करूँ, मैं पुराने भी कपड़े पहन लूँ, ये गंदे हैं, मैले हैं, कुचले हैं, और इनके ऊपर मैं साफ कपड़े पहन लूँ, तो इसका औचित्य क्या रहेगा? मेरे साफ कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने 1956 में जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी, वो अपने अनुयायियों को दी थी और खुद भी ली थी। तो आप समझना चाहिए कि 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व क्या है, और जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवाल मचा रहे हैं, यहाँ तक कि केंद्र सरकार हर साल उनको जो बाबा साहब के वॉल्यूम है उसमें 22 प्रतिज्ञाएं छपती है, तो फिर आपत्ति कैसी?
यहाँ पे मैं एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। पूरे देश में जो है कि दलित वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, और आज भी हम वर्ष 2022 में जी रहे हैं, और यहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात होती है, हर जगह विदेश तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत में हमारे देश में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर दो चार जो है कि बच्चियाँ, इस मैं बच्चियों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ चूँकि आप महिला वर्ग से हैं, बच्चियाँ जो है कि मिल जाएंगी जो कि स्कूल की मुंह नहीं देखती हैं। अभी एक दो बच्चियों से मैंने यहाँ भी संपर्क किया जो कि स्कूल नहीं जा पाती हैं, और इसके पीछे क्या कारण रहा, आखिर लोग इतना शिक्षा को महिलाओं के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं समझ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम कितना ही डिजिटल इंडिया बना लें, कितना ही डिजिटल इंडिया की बात कर लें, कितने ही डिजिटल इंडिया के मॉडल दिखा लें, लेकिन जब तक सही रूप में उस डिजिटल इंडिया को हम धरातल पर चरितार्थ नहीं करेंगे तब तक ये डिजिटल इंडिया बनने वाला नहीं। और जिस तरह से आपने एजुकेशन की बात करी, आप तो वो कह रहे हैं कि कुछ महिलाओं की, मैं कह रही हूँ आप आंकड़ा उठाकर देखिए, आप सर्वे कराकर देखिए, यहाँ तक कि आप दिल्ली लो, उत्तर प्रदेश लो, भारत के जितने भी राज्य, एक बार सर्वे कराइए, ग्राउंड लेवल पर कराइए। मैं कहती हूँ स्कूलों की दयनीय स्थिति है तो शिक्षा का स्तर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। आज शिक्षा धरातल पर मुंह बांधे खड़ी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आज प्राइवेटाइजेशन है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, उनको तो सरकार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि उनको पता है वहां से भारी भरकम जो फीस मिल रही है वो हमारे लोग तो स्कूल नहीं चला रहे, वो उसी संस्कृति उसी विचारधारा के लोग हैं जो स्कूल चला रहे प्राइवेट, और वो भारी भरकम फीस हड़पने का काम करते हैं। लेकिन जब हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं, उनके आंकड़े उठा करते हैं, तो हमारे समाज के बच्चों को सिर्फ वो कटोरे में वो दाल चावल परोसने का काम किया जाता है, उनको एक वक्त का खाना खिलाने का काम किया जाता है, जबकि काम होना चाहिए। कोई भी सरकार है यहाँ पर जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसको ईमानदारी से 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। जो प्राइमरी स्कूल की बात करूँ, उससे ऊपर चले जाइए तो 1-1.5 लाख है, और उससे ऊपर और चले जाइए तो कम से कम 2-2.5 लाख सैलरी है, दिल्ली में बता रही हूँ मैं वर्तमान में अभी। लेकिन क्या 2.5 लाख रुपये सैलरी लेके, 70 हज़ार रुपये सैलरी लेके, 1.5 लाख रुपये सैलरी लेके क्या वो अध्यापक ईमानदारी से पढ़ा रहा है, या सरकार उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो पैसा उसको टीचर को दिया जा रहा है क्या ईमानदारी से पैसा पढ़ा? और आप सर्वे कराइए, जितने भी, चाहे मैं मंत्री बात करूँ, विधायक बात करो, जितने भी मतलब पॉलिटिशियन पर्सनैलिटी हैं, उनके जितने भी बच्चे ना सारे विदेशों में पढ़ते मिलेंगे, या इंडिया में ही जो प्राइवेट स्कूल है, एक से एक टॉप स्कूल है, उसमें पढ़ते मिलेंगे। अगर इनको अपनी सरकारी शिक्षा पर ही मतलब इतना विश्वास है, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेजते हैं? अब जिस तरह से दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, 2 बार बनी, पूर्ण बहुमत के साथ बनी, वो बाहर जाकर मॉडल दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ दिल्ली में आप मेरे साथ चलिए, मैं स्कूलों को दिखाती हूँ, आप बिल्डिंग 2-4 बिल्डिंग बनाकर उनका मॉडल दिखाकर आप शिक्षा को नाप रहे हैं, जबकि आप बच्चों को देखिए। मैं कहती हूँ गारंटी से, जो 11th 12th के बच्चे, मैंने खुद ट्यूशन पढ़ाया काफ़ी बच्चों को कई साल तक, 11th 12th के बच्चों को मल्टीप्लाई के बड़े बड़े सम नहीं आते हैं, उनको डिवाइड करना नहीं आता है ठीक से, तो बताइए आप किस तरह से शिक्षा का स्तर ले रहे हैं? जो बच्चे में फ्लुएंट होना चाहिए, उसकी जो कन्वर्सेशन होनी है इतनी फ्लुएंट होनी चाहिए, जिस तरह से हम बात करें, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को बिठा के देखो 3rd क्लास का, और एक आप 12th क्लास के बच्चों को बैठाइएगा सरकारी स्कूल का, आपको दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे जाएगा। और जिस तरह से महिलाओं की स्थिति दयनीय हो रही है भारत देश में, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर, आप शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहन बेटे के साथ में लगातार अत्याचार शोषण हो रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं। अब जो सरकारें खासकर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, अपने देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से शिक्षा देंगी, या किस तरह से उनको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से उनके विकास की बात करेंगे? तो जो इंडिया का जो डिजिटल मॉडल है वो सिर्फ मॉडल बनकर रह गया है, धरातल पर बिल्कुल वो शून्य है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब वर्ग से हैं और एजुकेटेड हैं, लेकिन रूढ़िवादी परंपरा में फंसने के कारण मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो दबी हुई हैं। वैसी महिलाओं को, वैसे जो है कि बालिकाओं को आप इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, आपने बात उन महिलाओं की करी, मैं उन महिलाओं की बात नहीं करूँ, बल्कि मैं सर समाज की सभी महिलाओं की बात करूँ, खासकर मैं उस तबके की महिलाओं की बात करूँगी जो आपको आज जज कहती है, डॉक्टर कहती है, इंजीनियर कहती है, कमिश्नर कहती है, ACP कहती है, DCP कहती है, मैं उन महिलाओं की बात करूँ। मैं उन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कमज़ोर दलित महिला, या मतलब जो एजुकेटेड नहीं, उन महिलाओं की बात नहीं करूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो पिछड़ी हैं, वो नहीं जानते। लेकिन आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आज एक कोर्ट में बैठने वाली जज भी करवा चौथ का व्रत रख रही है, आज कोर्ट में बैठने वाली जज भी कहीं ना कहीं उन रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो कर रही है। आज भी एक जज ये मानते हैं कि एक दिन भूखा रहने से मेरे पति की लंबी उम्र हो जाएगी। ये सारी जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं या पाखंड है, आप आंकड़ा उठाकर देखिए, हिंदू धर्म में बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं, और जिस तरह से लोगों की जो मानसिकता हो गई है, क्योंकि धर्म के नाम पर हमें डराया जा रहा है, धर्म के नाम पर हमें बरगलाया जा रहा है। आप
साइंस पढ़ो ना, आप विज्ञान करो, तर्क पढ़ो। आज एक डॉक्टर भी मतलब इस तरह के वो पाठ, और मैं कहूँगी कि पूजा पाठ में उलझा हुआ है, वो सोचता है कि मैं ये पढ़ लूँगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं ये पढ़ लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, या मैं इसकी पूजा करूँगा तो ये बन जाऊँगा। अब बताइए 33 करोड़ देवी देवता है मेरे भारत देश में, उस 33 करोड़ में किस किस की पूजा करेंगे? और आप आंकड़ा उठाकर देखिए, जब आज़ादी से पहले भारत की जो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो 30 करोड़ की आबादी थी और देवता कितने थे? 33 करोड़। अगर एक एक भी लगता, डेढ़ डेढ़ भी लगता तो भारत कब का आज़ाद हो गया होता, सारे अंग्रेजों को उधेड़ पेटता, जितने भी लोगों ने भारत को गुलाम बनाया, भारत कब का आज़ाद हो चुका है? क्यों नहीं हुआ? आज देश में जितने भी अत्याचार, बलात्कार, शोषण हो रहे हैं, जो मेरे देश के युवा हैं वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, आज भूखे मरने की कगार पर, भारत के आंकड़े मैं देती हूँ आपको, जिस तरह से क्या नाम है 19 लाख लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं, आप उस डिजिटल इंडिया की बात करें, आप उसकी बात करें, ये क्या है? कि ये अंधविश्वास नहीं तो पाखंडवाद नहीं है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि आज जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि लोग पूजा पाठ में उलझे रहें, अंधविश्वास में उलझे रहें, मंदिरों में जाकर घंटियाँ बजा देते रहें, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए सबसे पहला काम सरकार ने किया है कि इनकी शिक्षा छीन लो, ये अनपढ़ रहेंगे तो इनके सवाल करना बंद हो जाएगा। और जो महिला है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर आपको इतना ही विश्वास है अपने आराध्यों पर, चाहे मैं हिंदू की बात करूं, मुस्लिम की बात करूं, सिखों की बात करूं या बौद्धों की बात करूं, आप इतनी आराध्या, इतनी ही आस्था रखती हैं, तो एक बार 5वीं मंजिल पर चढ़िएगा और अपने अपने भगवान का नाम लेकर कूद जाओ कि भगवान मुझे बचा लेना, देखती हूँ कितनी महिलाएं बचती हैं। देखिए मैं तर्क पर बात करती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं उल फजूल मैंने हवा में बात कर दी कि मेरे 4 हाथ है, मेरे 8 हाथ है। अभी जिस तरह से हमने देखा कि भारत में नवरात्रों का दौर आया, नवरात्र बड़ी धूमधाम से महिलाओं ने मनाई, इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने कहा ना किसी भी धार्मिक या राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अगर किसी भी, और खासकर मैं पाखंडवाद की बात करूं, तो पाखंडवाद को बढ़ाने में आज भारत देश की महिलाएं सबसे ऊपर है। अगर वहीं मैं अमेरिका या जापान या थाईलैंड की बात करूं तो वहां की महिलाओं को देखिए, पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। आप भले आज राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन सोच क्या है आपकी? सोच तो आपकी वही आज भी कहीं ना कहीं मनुवादी है, गुलामवादी है, आज भी कहीं ना कहीं आप पुरुषों के अधीन रहना चाहती है। तो इसलिए मेरी बहनों जागिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने बड़े त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण आपको संविधान में पहला ही अधिकार समानता का दिया है। इसलिए अपनी समानता को समझिए और जो आपकी समानता है उसको मनोचस्तात करते हुए और धरातल पर पूर्ण करते हुए कंधों से कंधा मिलाकर चलिए और अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होकर इस पाखंडवाद, रूढ़िवाद से बाहर निकलिए। नहीं तो जिस तरह से आप आज अपनी जीवन जी रहे, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी आप गुलाम बनाएंगी। मैम आप मेरे चैनल में आई और हमारे लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे जानकारियाँ दी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।